भारत का पूर्वी राज्य बिहार चुनिंदा ऐतिहासिक जगहों में गिना जाता है। इस राज्य ने देश को कई महान बुद्धिजीवी और योद्धा दिए हैं। आज ये राज्य पर्यटन के रूप में काफी उभरा है, जहां अतीत से जुड़े साक्ष्यों और धार्मिक स्थानों को देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। इसके अलावा बिहार वर्तमान में बौद्ध पर्यटन के लिए काफी मशहूर हुआ है। यहाँ गौतम बुद्ध से जुड़े कई साक्ष्य मौजूद हैं। आपको बता दें, नालंदा, राजगीर, बोधगया, पटना, मधुबनी, सासाराम, जल मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार में कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जो अपने डरावने अनुभव के लिए जानी जाती हैं। क्या आप जानना चाहेंगे बिहार के उन चुनिंदा प्रेतवाधित स्थानों के बारे में, जहाँ का सन्नाटा मौत का पैगाम लेकर आता है, जहाँ की हवाएं कानों में डरावने शब्द छोड़ देती है। आपको बताते हैं सिवान के कब्रिस्तान के बारे में। बिहार के सिवान जिले में बड़हरिया रोड के पास एक पुराना कब्रिस्तान मौजूद है, जिसे राज्य के चुनिंदा प्रेतवाधी स्थानों में शामिल किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां अजीबोगरीब घटनाओं को घटते हुए देखा गया है। वहीं अब बात करेंगे मधुबनी के तालाब की। कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि मधुबनी जैसा शांत क्षेत्र भी भूत प्रेतों का शिकार हो सकता है। कहते हैं कि यहां बसैठ गांव के पास किसी तालाब में अनहोनियां घटती रहती हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि तालाब में कभी यात्रियों से भी भरी गिरी थी, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी आत्माएं वहां भटकती हैं। अब बात करते हैं पटना का भूतिया मकान। पटना शहर के लोहिया नगर में स्थित एक पुराना मकान है, जिसे राज्य के प्रेतवादित जगहों में शामिल किया गया है। ये मकान खाली पड़ा है, जिसका वर्तमान कोई मालिक नहीं। कहा जाता है कि यहाँ कभी कोई परिवार रहा करता था, लेकिन कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के कारण उन्हें ये मकान खाली कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। जानकारों के मुताबिक यहाँ उस परिवार ने भूत प्रेतों को देखा था। आपको बता दें, जिसके बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत खराब होने लगी। घर में तांत्रिक बुलाया गया, जिसने इस बात पर मोहर लगाई कि यहाँ किसी प्रेत का साया है, जिसके बाद वो परिवार यहाँ एक भी दिन नहीं रुका। अब बात करते हैं पटना औरंगाबाद रोड की। पटना औरंगाबाद के बीच बनी रोड पर कई रहस्यमयी एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनसे पीछे किसी भटकती आत्मा का हाथ बताया जाता है। जानकारों का मानना है कि यहाँ रात में कोई सफ़ेद लिबास में औरत अचानक वाहनों के सामने आ जाती है और लिफ्ट मांगती है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साथी का गौरव।